हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, जो मैंने प्रिपेरेशन अपकमिंग सिटी एग्जाम, बीएड एग्जाम एवं आपणकर हाई स्कूल टीचर मेन एग्जाम पाई वीडियो इंपोर्टेंट रहा है। तो ये वीडियो रे हमें डिस्कशन करिबा 100 टी फिजिक्स क्वेश्चन जोड़े कि आपणकर बारंबार विभिन्न प्रकार एग्जाम रे पचारी आसुछि। तो वीडियो को आपण केयरफुली कंप्लीटली देखिबे, वीडियो को लाइक करिबा सह सांगनसित वीडियो को शेयर करिबे। आउ जदि आपण चैनल को फर्स्ट टाइम पे आछन, चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे, एही पर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाए पे। देखंतु एक क्लास रे आम जितकी भी फिजिक्स क्वेश्चन डिस्कसन करवा मुझे सीटी कथा कह भी तो सीटे आपंकर गोटे भी क्वेश्चन आप बाहर पाइबे ना। तो एक क्लास रु सब क्वेश्चन आपंकर एक क्लास भितर रही है, ठीक अच्छे। तो वीडियो को आप केयरफुली देखिए, जो मैंने सीरीयसली सीटी एग्जाम प्रिपेरेसन कर। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को लाइक करेंगे, सेयार करेंगे, और जब चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल का सब्सक्राइब करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपंपा वन रहा, ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल प्रोजेसेस हेन्स दे आर टर्नड बाय द फास्ट विंड, ठीक अच्छे। तो आपंकर ये पचार जो विंड मिल जो ब्लेड गुड़ा रहा, ठीक अच्छे, विंड मिल जो ब्लेड आप यूज होता है तो सी आपर क्यों एनर्जी प्रोजेस करें, सो दैट सी आपर कौन करता है ना फास्ट विंड से प्रड्यूस करते, हेन्स दे आर टर्नड बाय फास्ट विंड, ठीक अच्छे। तो मन रखिए, ब्लेड ऑफ विंड मिल प्रोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक अच्छे। तो आमर दुईटा एनर्जी अच्छी, गोटे कानेटिक गोटे हूँ पोटेनसीआल, कानेटिक हूँ आपंकर गतिज, पोटेंशियल होची स्थिर, ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डार्क स्किन्ड मैन एक्सपीरियंस डैश आज कंपेयर टू ए फेयर स्किन मैन। देखो तो गोटे डार्क स्किन मनीष, ठीक अच्छे, जिते परिमाण रे हीट को माने माने कौन कर, जिते परिमाण रे डैश को एक्सपीरियंस कर इन कंपैरिजन टू ए फेयर स्किन मैन, ठीक अच्छे। माने मन रखिए, जो जड़े डार्क स्किन लोक माने कौन लेस हीट, ठीक अच्छे, एक्सपीरियंस करेंगे लेस हीट इन कंपैरिजन टू कौन लेस माने इन कंपैरिजन टू कौन फेयर स्किन मैन है, जड़े डार्क स्किन लोक लेस हीट एक्सपीरियंस करेंगे इन कंपैरिजन टू फेयर स्किन आउ लेस कोल्ड मध्य मन रखिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक अच्छे। तो क्यों डिवाइस यूज होता है गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने कंप्लीट करने, मन रखिए इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने कंप्लीट करने स्विच व्यवहार करता, ठीक अच्छे। व्हाट इज द टेम्परेचर एट व्हिच बोथ फारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू, एटा मन रखिए, एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड आउ फारेनहाइट आपंकर -40 आपंकर 40 डिग्री रे सेम, ठीक अच्छे, -40 डिग्री। एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, तो एक्सेलरेशनटा ऑलवेज क्यों डायरेक्शन में आपंकर मैंने आक्ट करे, ठीक अच्छे। एक्सेलरेशनटा ऑलवेज टुवर्ड्स द नेट फोर्स है, जुआड़े फोर्स थी सियाड़ को आपंकर ऑलवेज डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन आटम बम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आटम बम प्रिंसिपल हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन, मन रखिए आटम बम प्रिंसिपल हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन करिवे नि भूल हो, आटम बम क्षेत्र में फ्यूजन, हाइड्रोजन बम क्षेत्र में फ्यूजन है। तो आटम बम पचार फ्यूजन हम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट यूनिट। तो जो समुद्र गभीरता आम मापापी फातम यूनिट यूज कर, मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आस्टिमाटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय, देखो आस्टिमाटिज्म को आम करेक्ट कर बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस, तो मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैम्बर्ट्स ल रिलेटेड टू, तो आपंकर लैम्बर्ट्स ल जो रहा लैम्बर्ट्स ल बियर लैम्बर्ट्स ल, तो ये आपंकर कौन लुमिनेसन को आपंकर बिलंग करती। नेक्स्ट देखिए, इन ए बैटेरी ह्विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू डैश एनर्जी, कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मन रखिए बैटेरीटे आपंकर केमिकल एनर्जीटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होते, तो करेक्ट आंसर हो केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉन्गिट्यूडिनल मेकानिकल वेव्स ऑफ लेस दैन 20 हर्ट्ज कॉल्ड, देखो तो आपंकर वेवलेंथ जदि सॉरी वेव गोटे वेवर जदि फ्रिक्वेन्सी 20 हर्ट्ज रु कम है देन आम इंफ्रासोनिक बोली कहवा, कौन कह इंफ्रासोनिक, मन रखिए जदि 20 हर्ट्ज रु कम है देन ताकू आम इंफ्रासोनिक बोली कह मन रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आसतु, डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर्ड इन, तो आपंकर जो स्टार मानकर डिस्टेंस, ठीक अच्छे, आम लाइट इयर मापी था ना लाइट इयर। नेक्स्ट आपको दीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर,
तो आपणकर आलबर्ट आइनस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया जाइतिला कौन पाई ना बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सी आपणकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाहर करले सीवी रमन को पचारिबो सीवी रमन पचारले आपण कोन करबे रमन इफेक्ट ठीक अछि। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू देखते इलेक्ट्रिक मोटर जो रही तो सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकानिकल एनर्जी आपणकर कन्वर्ट करता है मन रखिए। रॉबर्ट कोच वाज इन्वेंटेड द रॉबर्ट कोच आपणकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करते इन्वेंट करते मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड देखो तो आपणकर कोहेसिव फोर्स अच्छी आधेसिव फोर्स अच्छी कोहेसिव हूँ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस भितर कोहेसिव फोर्स आधेसिव हूँ डिफरेंट सब्सटेंस भितर तो करेक्ट आंसर हो गला आधेसिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स आर देखो इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर हाँ गोटे गुड कंडक्टर माने जे इलेक्ट्रिसिटी को भलसे कंडक्ट कर पार तो से इलेक्ट्रॉन गुड़ा आपंकर अलवेज लूजली बाउंड ठीक अच्छे लूजली बाउंड। वन बैरल ऑफ ऑयल इक्वल टू डैश लिटर देखो गोटे बैरल ऑफ ऑयल हूँ 169 लिटर अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इंटू थ्री पार्ट व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ पोल विल बी जदि गोटे देखो गोटे मैग्नेट रे आपंकर गोटे नॉर्थ गोटे साउथ पोल थाए जदि गोटे बार मैग्नेट को आम तीन पीस करवा इफ ए बार मैग्नेट इज कट इंटु कट लेंथ वाइज इंटु तीन पार्ट गोटे गोटे बार मैग्नेट अच्छे आम तीन पार्ट करदे देन टोटाल नंबर अफ पोल हम छटी मन रखिए। इफ द बडी इज हलो देन इट्स सेन्टर अफ ग्राविटी लाइज गोटे हलो बडी सेन्टर अफ ग्राविटी हूँ आउटसाइड दि मेटेरियाल मन रखिए हलो बडी सेन्टर अफ ग्राविटी हूँ आउटसाइड दि मेटेरियाल। इफ द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इज इनक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल गोटे रूम र टेम्परेचर जदि इनक्रीज कला देन ह्यूमिडिटा आपंकर डिक्रीज कर मन रखिए। इन समर द मिरेज आर सीन ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपंकर टोटाल इंटरनाल रिफ्लेक्शन यहाँ हो करेक्ट आंसर मिरेज कथा जितेबले भी पचारे आपे टोटाल इंटरनाल रिफ्लेक्शन ठीक अच्छे ऑप्टिकल फाइबर भी पचारे टोटाल इंटरनाल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द विजिबल स्पेक्ट्रम व्हिच कलर हाज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो विजिबल स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हूँ रेड कलर रा तो मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रावल्स फास्टर तो साउंड आपणकर सॉलिड मीडियम सबुठ अधिका फास्ट ट्रावेल करे। इनसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू तो इनसेक्ट आपणकर गोटे इनसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इनसेक्ट आपणकर गोटे वाटर सरफेस रे मूव कर पारे विदाउट सिंकिंग कौन ना बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मन रखिए। सरफेस टेंशन आपणकर फॉर्मूला ए बाय एल आपको भूलिबेनि न्यूटन पर मीटर हला। नेक्स्ट आपणको देछि देखंतु द ल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेयर प्रपोज्ड बाय तो इलेक्ट्रोलिसिस रो ल आपणकर माइकल फाराडे द्वारा करा जायतिला ठीक अछि ल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस माइकल फाराडे। लाइट ट्रावेल्स इन ए तो लाइट ऑलवेज ट्रावेल्स इन ए स्ट्रेट लाइन मन रखिए। व्हाट इज यूज एज ए कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट तो वर्ल्ड रे जितकी भी कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट अच्छी से कूलांट हिसाब से माने कूलिंग एजेंट आकार रे आपणकर वाटर यूज हो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेचर ऑफ साउंड वेव इज तो साउंड वेव रो नेचर हूँ लॉन्गिट्यूडिनल तो मन रखिए लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव रो नेचर हूँ लॉन्गिट्यूडिनल। वन फर्मी यूनिट इज इक्वल टू वन फर्मी हूँ 10^-15 मीटर वन फर्मी हूँ 10^-15 मीटर। हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर तो केतटा बेसिक एसआई यूनिट अच्छे तो वर्तमान मन रखिए बेसिक आपणकर एसआई यूनिट हूँ मन रखिए बेसिक एसआई यूनिट जिते भी पचार तो आप सब करेंगे कौन 7 बेसिक यूनिट अच्छी ठीक अच्छे करेक्ट आंसर हो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट आपको कौन दे देखा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन व्हिच ट्रांसफार्मर वर्क तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर रा प्रिंसिपल आपको पचार ठीक अच्छे। ट्रांसफार्मर रा प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन मन रखिए आपको पचारे ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्न बैच तो अर्थ आउ सन भितर जो डिस्टेंस रहला तक आम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली कही था मन रखिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू जेते आपण ग्राउंड रे लाए हेथिबे लाए डाउन ऑन ग्राउंड लाए
डाउन ऑन द ग्राउंड से आपंकर बॉडी रा पोटेंशियल एनर्जी टा आपंकर लो थी ठीक अच्छे। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो वाटर रा फ्रीजिंग पॉइंट हो 32 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन मैंने गोटे आंगेल को आम रेडियन में मापी था ना रेडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विथ एन, तो रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विथ एन ऑसिलेटर, मन रखिए ऑसिलेटर। नेक्स्ट देखिए हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू, तो हुक्स लॉ मन रखिए हुक्स लॉ सब आप इलास्टिसिटी को ऊपर देते हुक्स लॉटा इलास्टिसिटी ऊपर। नेक्स्ट देखिए सडन फॉल इन बारोमेट्रिक रीडिंग है, तो बारोमीटर रे सडन जदि आपंकर देखागला कौन तलू खसवा तो मैंने सी इंडिकेट करे जे स्टॉर माने झड़। नेक्स्ट देखिए वाटर मूविंग ऑफ ए स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ, गोटे स्ट्रॉ रे वाटर ऊपर को उठवा गोटे कैपिलरी एक्शन बा कैपिलरी फेनोमेनन मन रखिए। कैपिलरी ट्यूब आप प्रैक्टिकल करथिबे जानथिबे केमिस्ट्री जोन थिबे, तो प्रैक्टिकल आपनकर कैपिलरी फेनोमेनन ऊपर गोटे प्रैक्टिकल थाए ठीक अछि, तो कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट आपनकर देला द ब्लू कलर ऑफ द स्काय इज ड्यू टू, ब्लू कलर ऑफ द स्काय कौन पाई ना डिस्पर्शन ऑफ लाइट मन रखिए, तो स्काय रो कलर ब्लू देखा जाए कारण डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विदिन ए मैग्नेट, गोटे मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन कौन रहे गोटे विदिन मैग्नेट, गोटे मैग्नेट रे मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन हो साउथ रू नॉर्थ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ठीक अच्छे। द एक्सपेरिमेंट डेमोनस्ट्रेटिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फास्ट कंडक्टेड बाय, द एक्सपेरिमेंट डेमोनस्ट्रेटिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फास्ट इंट्रोड्यूस बाय हेनरिच कौन हर्ज को द्वारा फास्ट इंट्रोड्यूस कराइता, तो फिलामेंट कथा पचारा ठीक अच्छे। द फिलामेंट स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन है, जो आपंकर इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंटा तो टंगस्टन धातु आपंकर तैयारी होता है मन रखिए ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ड्रैग इज द फोर्स एक्जर्टेड बाय फ्लुइड, तो आपंकर जो ड्रैग रहा ड्रैग मैंने कौन गोटे जिनस को टाणिकी नवा ठीक अच्छे, यहाँ हूँ गोटे वन टाइप ऑफ फ्रिक्शन घर्षण। नेक्स्ट देखिए द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमोबाइल इज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ बहुत थर एग्जाम पचार, तो ऑटोमोबाइल रे जो हाइड्रोलिक ब्रेक रो यूज होची तो एटा पास्कल लॉ अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। नेक्स्ट देखिए द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप है, गोटे जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस रे गोटे सिंपल माइक्रोस्कोप रे कॉन्वेक्स लेंस द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है तो सी वर्चुअल आउ इरेक्ट ठीक अच्छे वर्चुअल आउ इरेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट, देखो जो आपणकर गाड़ी ड्राइवर सीट रे सीट पाखे जो आपणकर मिरर लगी था तो सी हूँ कन्वेक्स मिरर मन रखिए कन्वेक्स मिरर। आपण को देखिए डैश आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो न्यूक्लियस रे आपणकर न्यूट्रॉन आउ प्रोटॉन था। नेक्स्ट देखिए साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर, तो गोटे एटॉमिक न्यूक्लियस रा साइज होची 10^-15 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द मून्स सॉरी फ्रॉम द मून्स सरफेस एस्ट्रोनॉट सी ए ब्लैक स्काय दिस इज बिकॉज, जदि जने मून सरफेस रु देखिब तो आकाश ताकु ब्लैक कलर देखा जीव कारण कौन बिकॉज मून ने आपणकर एटमॉस्फेयर नाही। नेक्स्ट देखिए द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वैरीज विथ इट्स, तो गोटे वायर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैरी करिव विथ मटेरियल मटेरियल को नहीं इटा वैरी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज विथ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम ट्रू और फॉल्स, देखो गोटे लाइट रा स्पीड डिक्रीज कर विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज कले स्पीड आपंकर डिक्रीज कर लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर एटा होची फॉल्स, तो एटा रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच इज द स्ट्रंगेस्ट फोर्स इन द नेचर, तो सबुठ आम नेचर स्ट्रंगेस्ट फोर्स होची न्यूक्लियर फोर्स मन रखिए। नेक्स्ट देखिए व्हिच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन, तो सन रो टेम्परेचर देखो जनरली जोटा बहुत हाई टेम्परेचर मैंने एक्सट्रीमली हाई है मन रखिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को मापिया पे आम गोटे यूज करता डिवाइस ता ना होची पायरोमीटर है।
नेक्स्ट देखिए व्हिच फेनोमेनन ऑकर्स व्हेन लाइट पैसेज फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयरर मीडियम जितने लाइट गोटे डेंसर मीडियम रु रेयरर मीडियम को जाए तो यार फेनोमेनन हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना। नेक्स्ट हूँ व्हिच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम तो आपंकर इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने फ्लो हो पार्बन इन्सुलेटर मध्य दे ठीक अच्छे। द वैल्यू ऑफ व्हिच क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट तो द वैल्यू ऑफ व्हिच क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम यूनिट तो करेक्ट आंसर टी हो स्पेसिफिक ग्राविटी कौन हो करेक्ट आंसर स्पेसिफिक ग्राविटी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो एयर रे साउंड रो स्पीड व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो करेक्ट आंसर टी हो 332 मीटर पर सेकेंड। द वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज तो देखो इज बेस्ड ऑन व्हिच इफेक्ट देखो वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिते आसो तो पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मन रखिए वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिते आसो पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप तो परमानेंट मैग्नेट्स आपंकर स्टील या ड्यूरिंग ए फॉग द विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड दिस इज बिकॉज ऑफ व्हिच फेनोमेना तो आपर कोहली टाइम मैंने जनरली देखा मैंने दूरटा देखा जाए ना कारण कौन ना कारण हूँ लाइटर स्कैटरिंग फेनोमेना। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस बाय ए स्पेसशिप इज ड्यू टू तो आपंकर वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन ए स्पेसशिप इज ड्यू टू आबसेन्स ऑफ ग्राविटी मन रखिए। व्हिच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज ऑब्जेक्ट तो सबमर्ज ऑब्जेक्ट को आम फाइंड करने सोनार यूज करता हूँ ठीक अच्छे सोनार। व्हाट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट तो एसी रू डीसी एसी टू डीसी कन्वर्ट करने रेक्टिफायर यूज होता है रेक्टिफायर। व्हिच एलिमेंट इज यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर आकार में यूज होता है ग्राफाइट ठीक अच्छे। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर आकार में यूज होता है ग्राफाइट। व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्यों डिवाइस आपंकर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है मन रखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड तो पावर ऑफ लेंस को हमें डायोप्टर यूनिट रे प्रकाश करता हूँ मन रखिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो रेडियो एक्टिविटी यूनिट होउछि आपनकर कोन ना क्यूरी ठीक अच्छे। नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट हैज टू अटेन द वेलोसिटी टू एस्केप फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर ताको हमें कही था एस्केप वेलोसिटी जोटा कि होउछि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स तो आपंकर लेंथ ऑफ लाइट वेव मापे आर्मस्ट्रांग यूनिट यूज कर आर्मस्ट्रांग। ए शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज कॉल्ड एज बा इज नोन एज गोटे शॉर्ट ड्यूरेशन वेव को आम पल्स बोली मध्य कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन डिड आइंस्टाइन परपोज दैट मैटर कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी तो आइंस्टाइन 1905 मसीह परपोज करते मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी रो यूनिट होची कैंडेला मन रखिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिक फ्लक्स रो यूनिट होची मैक्सवेल ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओनली रेजिस्टेंस रो होची ओम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होची ओम मीटर। वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम तो विजिबल स्पेक्ट्रम रो वेवलेंथ होची 390 रु 700 नैनोमीटर मन रखिए एटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन दिछि ये वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वॉशिंग मशीन रो प्रिंसिपलटा कौन वॉशिंग मशीन जो वर्क करछि तो तार प्रिंसिपल होछि सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सेटा सेंट्रीफ्यूगेशन मन रखिए सेंट्रीफ्यूगेशन होछि प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल है कि आपनकर कौन वॉशिंग मशीन जो यूज होछि वॉशिंग मशीनटा वर्क करे क्लियर अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकु देला व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन जो गोटे बॉल को आम ऊपर को फोपाड़ी था ठीक अच्छे से तार एक्सेलरेशन में कौन घटी था ना एक्सेलरेशन टा कांस्टेंट रही था ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा मैग्निफाइंग ग्लासेस इज मेड अप व्हिच टाइप ऑफ लेंस देखो जनरली मैग्निफाइंग ग्लासेस गुड़ा कन्वेक्स लेंस रे तैयारी होता है क्लियर अच्छी। व्हाट कलर विल ए रेड ग्लास अपीयर इफ इट इज हीटेड इन डार्क रूम जदि गोटे रेड कलर रो ग्लास को आम गोटे डार्क रूम रे हीट करेबा तो सी आपणकर ग्रीन कलर देखा जीवो क्यों कलर देखा जीवो ग्रीन कलर देखा जीवो। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैपेंड टू द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर व्हेन ए डिटर्जेंट एडेड टू इट जिते गोटे डिटर्जेंट आम आड करवा क्या ना व्वाटर से तार सरफेस टेनसन कौन बना डिक्रिज कर मन रखिए।
द भैल्यू ऑफ जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी इज मैक्सिमम एट तो मन रखिए यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन मैंने बहुत थर एग्जाम रे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी हूँ मिनिमम सबुठ पोल है आट पोल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी इज मिनिमम ए सॉरी मैक्सिमम मैक्सिमम हूँ सब पोल हुई इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट अल्टीट्यूड मापिया पे मैं अल्टीमीटर यूज कर था तो आर करेक्ट आंसर है अल्टीमीटर हुई इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मापिया पे हमें कौन डायलाटोमीटर यूज कर था डायलाटोमीटर हुई इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन तो ओशन माने आपनकर समुद्र पतन गभीरता मापिया पे फैथोमीटर यूज कर था मन रखिए द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड विथ तो इलेक्ट्रिक सर्किट रो पावर तो पावर जनरली यूनिट हो वाट बा वाट मीटर व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड तो व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड तो करेक्ट आंसर टी हो नेफोलोमीटर नेक्स्ट व्हिच इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टील और रबर भितर किए अधिक इलास्टिक मन रखिए स्टील इज मोर इलास्टिक नेक्स्ट व्हाट इज ओनली नेचुरल मैग्नेट व्हाट इज ओनली नेचुरल मैग्नेट तो मन रखिए गोटे नेचुरल मैग्नेट ना हो मैग्नेटाइट व्हाट प्रिंसिपल इज यूज इन द डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन तो शिप और सबमरीन जो डिजाइन हो तार गोटे प्रिंसिपल अच्छे मन रखिए सी हूँ आर्कमिडीज प्रिंसिपल ठीक अच्छे न्यूक्लियर फिजन इज इनिशिएटेड बाय तो मन रखिए न्यूक्लियर फिजन आपंकर न्यूट्रॉन हाँ एबे कहली आटम बम प्रिंसिपल फिजन है न्यूट्रॉन द्वारा द वेयर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ तो इलेक्ट्रिक हीटर जो वेयर था से निक्रम धातु या ड्यूरिंग सोनोग्राफी व्हिच टाइप ऑफ वेव आर यूज तो सोनोग्राफी अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है डायोड बल्ब वाज डिस्कवर्ड बाय देखो डायोड बल्ब को आपंकर डिस्कवर करते सार जे एस फ्लेमिंग ठीक अच्छे सार जे एस फ्लेमिंग हु गेव द फास्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी तो फास्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी देते कैभेन्डिस किए दे कैभेन्डिस जी हाइड्रोजन डिस्कवर करते हु हाड सोन डैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम तो देखो किए कही जे इलेक्ट्रिक आउ मैग्नेटिक वेव इक्वल केउंटी ना वैक्यूम रे तो सकू कही जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नेक्स्ट हूँ व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून तो चंद्रर एस्केप वेलोसिटी हूँ 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड व्हाई डज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू अज्यूम स्पेरिकल शेप स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्पेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन मन रखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स तो मन रखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दि क्रॉस सेक्शनल एरिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मन रखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कशन कले 100 सिलेक्टेड आपंकर फिजिक्स रो क्वेश्चन जोटा कि आपंकर जेकोसी एग्जाम पर प्रिपेरेसन करूँ जदि आप सिटी बीड एग्जाम पर प्रिपेरेसन कर फोकस कर तो सियोर सट जी क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आरी भितर ही आप क्वेश्चन पाइबे ठीक अच्छे जदि आपको भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करेंगे सांग सहित भिडियो को सेयार करेंगे चैनल को जब सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल कैंडली सब्सक्राइब करेंगे सो थैंक यू।